नशीले पदार्थों के धंधों में सक्रिय मास्टरमाइंड आरोपी तेज प्रताप को पुलिस ने गिरफ्तार कर 805 ग्राम स्मैक 8,45,000 रुपए बरामद करने में कामयाबी ली है। बता दें, नशीले पदार्थों के धंधों में सक्रिय सरगनाओं पर पुलिस काफी समय से निगाह रखे हुए थी। झांसा थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव का रहने वाला व्यक्ति पिछले काफी समय से आसपास के एरिया में युवा वर्ग की जिंदगी तबाह करने को लेकर दूसरे एरिया से लाखों कीमत की स्मैक को लेकर आता था। ठिकाने पर पहुंचने के बाद छुटभैये सौदागरों से मुनाफा कमाकर बेच रहा था। छुटभैये भी कमाई के लालच में इसे बेचने में लगे हुए थे। इस मास्टरमाइंड तस्कर को पकड़ने को लेकर एएसआई राजेश टीम सहित काफी समय से पीछा कर रहे थे। ये टीम थाना झांसा के एरिया में छापामारी कर रही थी। जानकारी मिली कि गांव सलबानी का रहने वाला तेज प्रताप लाखों कीमत का नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। ये अपनी कार में सवार है। पुलिस ने खबर लगते ही नाकाबंदी कर दी। मौके पर शाहबाद डीएसपी भी पहुंचे। कार सहित आरोपी को काबू किया गया। तलाशी लेने पर आरोपी तेज प्रताप के कब्जे से 285 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गहन पूछताछ पर खुलासा हुआ, आरोपी के घर से भी 520 ग्राम स्मैक नकदी 8,45,000 रुपए भी बरामद किए गए। आरोपी तेज प्रताप के खिलाफ केस दर्ज कर अदालत में पेश किया गया। पुलिस के अनुरोध पर आगामी आदेश तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यहां ये भी बता दें कि इस आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। डीएसपी पुलिस मुख्यालय ने भी जानकारी दी। खबरनामा हरियाणा से राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।